एल्कीन की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो एडिशन ऑफ हेलोजन्स में देखिए, एल्कीन में हेलोजन जैसे हमारा Cl2 हो गया और Br2 हो गया, ये ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, विसिनल डाई हैलाइड्स मिलेंगे। विसिनल डाई हैलाइड्स कैसे मिलेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन ले लिया, ठीक है, या एथीन ले लिया, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो होगा क्या, ये होता है कि यहाँ पर एक Br ऐड होगा, यहाँ पर एक Br ऐड होगा, तो हमें ये मिल जाएगा सिंपली CH2 CH2। एक Br यहाँ पे ऐड हो गया और एक Br यहाँ पे ऐड हो गया। यानी ये किस तरीके की रिएक्शन थी, जो हमने रिएक्शन देखी है ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अब देखिए ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद है, ये इसको क्या बना रहा है, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पाई बॉन्ड मौजूद है जब इसके पास, तो जो आने वाला अटैक करने वाला होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर पहले जो अटैक करने वाला है वो कौन अटैक करने वाला है, Br+। यानी ये जो एडिशन रिएक्शन है वो कैसा एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और एक चीज देखिए कि ये विसिनल डाईहैलाइड क्यों कह रहे हैं, देखिए ये जो दो कार्बन है एडजेसेंट वाले डबल बॉन्ड वाले जुड़े हुए कार्बन, उन्हीं से क्या हो गए, हेलोजन जुड़ेंगे जाके। तो जो हमें हैलाइड मिलेगा, दो हेलोजन हैलाइड जुड़ गए तो इसलिए बोलेंगे डाई हैलाइड्स। और चूंकि ग्रेटर विसिनिटी वाले कार्बन यानी पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या बोलेंगे ना, विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे, राइट। और जो ऐड होगा इसमें, पहले Br+ हमने देखा ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसका ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ ऐसे Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस। इसको बोलते हैं ब्रोमिनियम आयन बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारा बना हुआ है, इसका अगर यहाँ पर सिर्फ हेलोजन हम देखें तो हेलोनियम बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है, एक Cl यहाँ जुड़ता है, एक Cl यहाँ जुड़ता है, हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH CH2, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। आप अगर लैब में जाते होंगे तो एक टेस्ट करते होंगे, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, या अनसेचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं इसको सिंपली, अनसेचुरेशन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, हम पता लगाते हैं कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2 के साथ करा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो किसे बदल रहा है, इसे बदल रहा है, यहाँ पे एक Br आ रहा है, यहाँ पे एक Br आ रहा है, यानी अब कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं होता है तो हम इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तो जो ब्रोमीन है इन CCl4, उसका कलर होता है ऑरेंज रेडिश, या रेडिश ऑरेंज बोल लीजिए, इसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है। जब Br2 इससे रिएक्ट कर लेगा, यानी यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा, तो इसका कलर गायब हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी अनसेचुरेशन इसके अंदर मौजूद है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ये हमारा। तो इसको हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को।